भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, एक ऐसा देश जो अपनी युवा शक्ति के बल पर दुनिया को नई दिशा दिखाने की ताकत रखता है। लेकिन सिर्फ इतना ही होना काफी नहीं, युवाओं के समग्र विकास, उनके असीम ऊर्जा को बेहतर दिशा और उम्मीदों को उचित अवसर दिए बिना यह लक्ष्य पाना संभव नहीं है। इसलिए देश को इस विपरीत परिस्थिति से निकालने में युवाओं की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। लेकिन मोदी सरकार की युवाओं के प्रति असंवेदनशीलता, युवा विरोधी नीतियों और चरम तक फैले भ्रष्टाचार से आज का युवा हताश, निराश और परेशान है। रोजगार की भारी कमी, वर्षों से लंबित पड़ी परीक्षाओं और पेपर लीक जैसे मामलों ने उसके हौसले को तोड़ दिया। देश में फैले इन्हीं विषमताओं के स्थायी समाधान के लिए कांग्रेस ने उदयपुर में नव संकल्प चिंतन शिविर का आयोजन किया था, जिसमें हमने गहन मंथन किया, युवाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कुछ दृढ़ संकल्प लिए। हमें पूरा विश्वास है कि अपने नव संकल्प और निश्चय के साथ हम देश की युवा ऊर्जा का सार्थक निवेश कर देश की समरसता और सौहार्द को सहेजते हुए राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने में जरूर सफल।